करना हुआ आसान, भिन्न का विषम मान गुणा अब स्टार्ट हो रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, आपको डीसीपी मिक्सिटी चैनल में फिर से स्वागत करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड इंटीजियर। अब आपको इस वाले भिन्न में हम आपको बताएंगे विषम मान भिन्न, ये वाली भिन्न। विषम मान भिन्न उसे कहते हैं जिसकी या जिस अंश की संख्या समान हो या असमान हो और हर वाली संख्या अलग अलग हो यानी विषम हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम मान भिन्न। समझ लीजिए, हमने आपके सामने लिख दिया 2/5 + 3/7। ये वाली विषम मान भिन्न तभी बन सकता है जब आपको एलसीएम आएगा तभी, वरना आपसे भिन्न नहीं बनेगी। ठीक है, अब देखिए 7 और 5 का हम विषम मान यानी जिसकी हर क्या हो, असमान हो यानी अलग अलग हो, से हम विषम मान भिन्न कहते हैं। अब आपको गुणा बता रहे हैं, गुणा। ठीक है, अब देखिए हम 5 और 7 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए हम आपके सामने 5 और 7 का एलसीएम लेते हैं। 5 और 7 क्या है? दोनों अभाज्य संख्या यानी कटनीय नहीं है यानी अकटनीय संख्या है। ठीक है, देखिए 5 × 5 सबसे छोटी संख्या और 7 उतार गया, फिर इससे बड़ी जो होगी वो 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, ये हमारा एलसीएम हो गया। क्या हुआ? एलसीएम। एलसीएम को सार बताए थे लावेस्ट कमान मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक। तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक कितना आया है? 35 आया है। तो हमें कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्ट 35 एक लाइन खींचना होगा, डायरेक्ट 35 लिख देना होगा। ठीक, अब 5 से 35 में क्या करना होगा? भाग करना होगा। हम देखिए 5 से 35 में भाग कर दे रहे हैं, तो 5 में 35 भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 7। 5 × 7 = 35 यानी 7 बार गया। अब 7 से उसी में अंश यानी 2 से गुणा कर देना है, तो हमारा कितना आया? 7 × 2 = 14 आया। फिर गुणित का चिन्ह है तो गुणित लगा दो। अब 7 में 35 से हम भाग दे रहे हैं, तो 7 × 5 = 35 कई बार गया? 5 बार गया। 5 में 3 से गुणा कर दो, 5 × 3 = 15 हो गया। अब 15 में और 14 से हम गुणा कर देते हैं। देखिए हम आपके सामने 15 और 14 से गुणा करते हैं, 4 × 5 = 20 हाथे लगा दो, 4 × 1 = 4 = 2 = 6, फिर 1 × 5 = 5, 1 × 1 = 1, 0 × 6 = 11 के खाते लगे, 1 × 1 = 2 यानी कितना आया? 210। तो हमारा जगह नहीं है तो इसको क्लीन करके यहाँ पर लिख देते हैं 210/35। ठीक, अब हम चाहे तो इसको और छोटा कट में लिख सकते हैं, 35 में 210 से भाग दे सकते हैं। नहीं, अगर नहीं बन रहा तो इतना ही सही है, अगर बन रहा है तो भाई इसमें से इसमें भाग कर दो, हमारा जो है भाई आंसर। ठीक, लो अब आप दूसरे तरीके से एक बार और समझ लीजिए, फिर से आपको रिहर्सल करवा देते हैं। आपके सवाल में दिया गया है चार बट्टे तीन गुणित 2/7। ठीक, इतना है सवाल। अब आपको कह रहा है पहले हर हर का देखिए असमान है कि समान है? असमान है यानी अलग अलग हर है। इसे हम ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। हर वाले को हम एलसीएम निकालते हैं। देखिए हम 3 और 7 का एलसीएम निकालते हैं, 3 × 3 = 7, फिर 7 × 7 = 7, 3 × 21 आया, कितना आया? 21 आया। हमें एक अंडरलाइन खींचना है, 21 लिख देना है यहाँ पे। ठीक, 3 × 7 = 21 यानी 3 में 21 से भाग करना है, जो मेरा आंसर आया उसी से अंश में गुणा कर देना है। 3 × 7 = 21 कई बार गया? 7 बार गया। 7 × 4 = 28, कितना आया? 28। गुणित का चिन्ह है, गुणित लगाओ। 7 × 3 = 21 कई बार गया? 3 बार गया। 3 में 2 से गुणा करो, 3 × 9 = 6। ठीक है, अब 28 में 6 से गुणा कर दो, 6 × 48 = 88 लगा, 4 × 6 = 12 = 4 = 16, 168 × 21 कर दो। अब 21 में 168 से भाग दो, लो हम 21 अट्ठे करते हैं तो 21 अट्ठे 168 आएगा, सही बात है। लो 21 अट्ठे 8 = 8 और 2 = 16, 21 अट्ठे
169 हमारा कितना आया, पूरे से पूरे कट गया, मेरा आंसर आया 8, यही मेरा आंसर है, हो गया। विषम मान भिन्न फुर्सत, यही ऐसे है, आनंद के साथ पढ़िए, और मेरा विषम मान भिन्न हो गया, बशर्ते मेरी मैंने स्पीक को समझिए, मैं बोला क्या हूँ, कैसे बताया हूँ, कैसे लिखा हूँ, बस इतना ही। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ये सब आसान तरीके से मेरे वीडियो समझ में आ जाएंगे। वैसे भी मैं बहुत आसान तरीके से छोटे छोटे प्रकार से बताया हूँ आपको, खंड खंड करके मैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलते हैं अगले वीडियो की तरफ।